हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी ब्लॉग्स। तो भाई लोकेशन कैसी लग रही है? तो भाई मैं हूँ अभी फ़िलहाल जॉय वर्णवी, ठीक है। मैं आपको अभी बाहर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे था आज अपना अगला इंटरव्यू, ठीक है। सो आपको भाई आज बात करनी है शेफ से रिगार्डिंग, तो भाई उसी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर भी वही वाला काम था अपना, और चलते हैं बाहर। और भाई अगर आप इसे गूगल करोगे ना, जॉय वर्णवी, इसके भाई यहाँ पे दो ब्रांच है, जॉय बर्नबी और जॉय कोकोसलम। और भाई जो ये जगह है ना, इट्स ऑसम, आई गेस 5 स्टार जितना लेवल है इसका। पहले आपको आसपास का एरिया दिखाता हूँ मैं। भाई सामने से तो देखो स्काई ट्रेन जाती है, और ये जो है ना भाई, अभी इतने बढ़िया देखो ऐसे फॉल हो रहे हैं। अगर कोई फोटो खींचने वाला तो इतनी मस्त फोटो खींचे यहाँ पे, बहुत सुंदर नज़ारा है। और भाई ये सामने जॉय बर्नबी, ठीक है। और भाई ऐसी बिल्डिंग है इसकी, बाकी भाई जगह बहुत सेक्सी है। और सामने उसका ट्रेन स्टेशन है। तो अब बात सुनो, आप मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो भाई जो एक्सपीरियंस था यहाँ पे भाई बहुत अच्छा रहा, ठीक है। तो भाई मैं आया क्या करने था, मैंने आपको बता दिया भाई, मेरा इंटरव्यू था। बट किस पोजीशन पे था वो बता तो भाई, मैं आपको अगर नहीं पता, पहले की वीडियो नहीं देखी, तो भाई मैं हूँ ऑलरेडी ए ग्रिल कुक, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, अपने ही यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस जॉब है मेरे पास, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल भाई चल रहा है रिसेशन का टाइम, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो ऑन कैंपस जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, और मैं उसे किसी भी दम पे नहीं छोड़ने वाला, बेशक ये मेरे को $30 दे दे, ठीक है। तो हाँ, और बाकी मैंने अभी यहाँ पे काम करा है, मैंने काम करा है आधा घंटा 30 मिनट्स। इन्होंने मेरी स्किल्स देखी, सारी चीज़ देखी, मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो भाई मेरे पास कमेंट्स में आ रहे थे कि भाई आप मेरे को एक बार यूँ बता दो कि भाई कैसे क्या होता है, इसकी कुक की कितनी सैलरी होती है, क्या स्कोप है इसका, तो सारी चीज़ तो उसी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके सब्सक्राइब करो, और भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो करो, ठीक है। तो चलो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले ले लो मौसम की जानकारी। जो टेम्परेचर हो रखा वो है भाई यहाँ पे 4 डिग्री, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया ठंड हो रखी है। इससे आपको मैं मेरी आदत हो रखी है, अभी इससे दिखाऊंगा कितनी ठंड हो रखी है। तो भाई दोपहर के 2 बज रखे हैं, हल्की हल्की धूप है, बट ये धूप ऐसी निकलती है कि भाई इससे गर्मी हमें मिलती नहीं है, ठीक है। तो ठंड की ठंडी रहती है। और बाकी अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, कि भाई अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हो जो जिसमें आपको ग्रिल वगैरह की या किचन का काम कोई भी ढूंढ रहे हो, ठीक है, किचन के काम में कितनी क्या सैलरी है, सारी चीज़ बताता हूँ। तो भाई आपको शुरुआत जहाँ से भी करोगे, ऑब्वियसली बात है मिनिमम वेज मिलेगी, ठीक है। तो मिनिमम वेज भाई कनाडा में वैंकूवर में हर एक प्रोविंस की ना डिफरेंट वेज है, टू बी वेरी वेरी क्लियर। तो भाई वैंकूवर की वेज है 15.65। तो जब आप शुरू करोगे ना तो आपको 15.65 मिलेगी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपकी लोकेशन बदलेगी, दूसरी जॉब लोगे, और ऑब्वियसली बात है अगर दूसरी जॉब ले रहे हो ना तो वो अपग्रेड करके ले रहे हो आप, ठीक है। तो भाई शुरुआत हर एक जॉब की तरह 15-65, फिर उसके बाद आप आगे चलते हो धीरे धीरे, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 2 या 3 महीने का बहुत है, मे बी 1 महीने के बाद आप भाई जॉब ढूंढनी शुरू कर दो, ठीक है। तो भाई वो सबसे बेस्ट रहता है। दूसरी जॉब मेरे को मिली थी भाई $18 की, बहुत पैसा इसमें नहीं बोल रहा। तो दूसरी जॉब मेरे को मिली थी $18 की, 15.65 से सीधा 18, ठीक है। और उसके बाद अभी वही चल रही है, और यहाँ पे अगर मैं लग गया ना, जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे टिप्स भी नहीं मिलती है, ठीक है। क्योंकि तो एक वो रेस्टोरेंट नहीं है, वो स्टूडेंट्स का हॉस्टल है, ठीक है, डाइनिंग हॉल है। तो भाई वहाँ पे एक तरीके से ना सब बुफे की तरह होता है, मैं बस बना के रखना, वो अपनी मर्जी से खाएंगे जिसको खाना है, यहाँ पे ऑर्डर चलते हैं, ठीक है। और ये भाई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, आप गूगल करके देख लेना। तो भाई इस रेस्टोरेंट से मेरे को अगर इंटरव्यू के लिए हाँ भी करी है ना तो भी वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा। दूसरी बात, आज मेरा यहाँ पर फोर्थ, आज मैंने चौथा इंटरव्यू दिया है। पहली बार इन्होंने, और जो 3 इंटरव्यू थे ना वो इन्होंने एक ही दिन में लिए थे, आज दिन मेरा दूसरा है पर इंटरव्यू मेरा चौथा है। वो कैसे, वो सुन लो आप। जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो एक नॉर्मल बंदे ने लिया, फिर ये धीरे धीरे ना वो कहते हैं ना सक्सेशन होती रहती है,
उसे मेरा काम पसंद आया या उसने उसको मेरी बातें पसंद आई, लाइक वो क्वेश्चंस करते हैं ठीक है, और जब मैंने सब सही आंसर दिया तो उसने नेक्स्ट बंदे को पास आउट किया, फिर अगले ने अगले को, तीन इंटरव्यू हुए, उसके बाद उन्होंने बोला घर जाओ ठीक है हम आपको मेल करके बता देंगे, कॉल कर लेंगे, बस लाइक ओके भाई। उसके बाद इन्होंने दो अगले दिन मेल करी मेरे पास ठीक है, मेल करके उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे अवेलेबल है, यू कैन कम ठीक है। तो वो किस लिए बुलाया था, लाइक सीधा जॉब के लिए ऑफर नहीं करा आज भी, इन्होंने बोला शो अप के लिए। शो अप क्या होता है मेरे को भी पता था, तो भाई उसमें नीचे लिख रखा था कि भाई काली पैंट काले जूते ऊपर के कपड़े हम आपको देंगे, अच्छे से वेल ड्रेस होके आना है ठीक है, और अपना काम करके दिखाना है। तो लाइक ठीक है भाई, तो भाई काली पैंट काले जूते पहन के मैं चला गया। फिर ऊपर इन्होंने दिया भाई वाइट कोट ठीक है और वाइट एप्रन, भाई बहुत सुंदर लग रहा था ठीक है, और वो जो कपड़ा था ना, जो टेक्सचर था उसी से भाई इसकी क्वालिटी समझ में आ जाती है। और अभी क्या हो गया यार, एम्बुलेंस है मे बी, हाँ एम्बुलेंस है ठीक है, तो हाँ आगे बात करते हैं। तो भाई क्वालिटी की तो बात होगी ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई लाइक इन्होंने लाइक शुरुआत में पहली बारी इन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि आपको कितने वेज देंगे, इनका भाई अलग ही सिस्टम है, इन्होंने मेरे से पूछा कि आप कितनी चाहते हो। तो भाई ये क्लेवरनेस वाली बात है ठीक है, अब भाई हम तो भाई बेशक $100 मांग ले एक घंटे के, पर ये अपने दिल की बात जाना चाहते कि मे भी सस्ते में काम चल जाए। तो भाई मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला भाई मेरे को $21 मिलते हैं, मेरे को $21 प्लस चाहिए ठीक है। इन्होंने बोला फिर भाई 21 में टिप्स इंक्लूड होती है या नहीं, तो मैंने लिखा ऑब्वियसली नहीं यार, टिप्स तो आगे वाला बंदा देगा उसकी मर्जी है, $2 दे $1 दे जितने भी दे पर ऑर्डर के साथ ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, उसके बाद इन्होंने आज मेरे को इन्वाइट करा है, तो मे बी भाई वेजेस बहुत अच्छे मिलते होंगे जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, बाकी जहाँ तक पता करा है भाई $24 एक घंटे के। जॉब बहुत बढ़िया मिल रही है, कल वाली भी मिल रही थी पर वो लाइक वो वाली थी कि भाई फुल टाइम जिसको करना है ठीक है, पर अपना भाई पार्ट टाइम जॉब है तो पार्ट टाइम के हिसाब से करेंगे, बाकी वेट करेंगे भाई इसका जो भी होगा। तो भाई और आगे बात करते हैं, तो भाई धीरे धीरे जो होता है ना सिस्टम, शुरुआत में आपको वेजेस देंगे, फिर उसके बाद भाई आप उस पर अपग्रेड हो जाओगे सैलरी, जो प्रॉपर सैलरी होती है जैसे अपने इंडिया में थी कि एक महीने वाली सैलरी ठीक है। बाकी ट्रेन आ गई, बट ट्रेन में बैठते हैं तो फिर आपसे निकल के बात करता हूँ। तो भाई निकल गए मेट्रो से, स्काई ट्रेन से ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था भाई, ये जो है बहुत बढ़िया करियर बन सकता है इसमें अगर आप अच्छे से करो तो ठीक है। ओहो कौन मिस हो गया भाई, तो कोई इंडियन है यार, एक मिनट भाई, ये कोई लड़की है शानिया शर्मा, शी इज़ मिसिंग ब्रो, शी इज़ मेल डार्क ब्राउन। सो भाई जो भी है होना नहीं चाहिए था ऐसा ठीक है, पता नहीं लाइक कहाँ भी खो गए, मैं भी हद मिल भी गई हो, नो आइडिया ब्रो लाइक कभी कब लगाई है ठीक है। बट हाँ मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था यहाँ पे, ये भाई SFU है, साइमन फ्रेज़र यूनिवर्सिटी का बस कनेक्शन होता है यहाँ पे ठीक है, प्रोडक्शन वे यूनिवर्सिटी नाम है इसका स्काई ट्रेन का ठीक है, आपको सामने दिख रहा होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले यहीं से गया था मैं उधर इंटरव्यू देने, तब शायद, लेकिन असल में ये इस साइड है ना तो इधर से जाते टाइम दिखता नहीं है, आते टाइम ही दिखता है। जो भी है चलो उम्मीद करते जल्दी मिल जाएगी। हाँ तो इस पर टाइम बर्बाद करने की जगह बात करते मेन जो जिसके लिए आप आ रखे हो सब ठीक है। तो भाई बहुत बढ़िया करियर है अगर आप अच्छे से करते हो, आपको बस अपना 101% देना है। और भाई शुरुआत में भाई हर किसी जॉब की तरह 15.65 है। दूसरी बात, अगर आपका भाई इंडिया में ऑलरेडी एक है ना एक्सपीरियंस, तो उससे भी आपका हेल्प हो सकता है, लेकिन भाई कुछ लोग होते हैं कि भाई फेक एक्सपीरियंस डाल देते हैं, तो यहाँ पे भाई वो आपसे काम करा के देखते हैं ठीक है। जैसे आज मैंने काम करा है तो लाइक वो मेरे से करवाएगा, तो पहले ये भी जान लो कि भाई मेरे से उन्होंने बनवाए थे 2 टाइप के बर्गर ठीक है। तो ये नॉन वेज बर्गर्स होते हैं सारे, तो उसमें बर्गर्स बनाए मैंने, उसके बाद मैंने बनाए फ्राइज़, फिर उसके बाद थोड़ी सी चॉपिंग भी करवाई ठीक है, ताकि पता कर ले कि भाई कितनी क्या स्किल्स है सारा मैटर। तो ओवरऑल इट वॉज गुड, बाकी लेट्स सी भाई क्या कुछ रहता है। हाँ बाकी भाई जो जगह है ना वो आउटस्टैंडिंग है ठीक है। तो बस दैट्स इट गाइस फॉर द लाइक शेफ़ के बारे में, आपको जितनी जानकारी देनी थी उतनी मैंने शायद दे दी है, और अगर कोई किसी भी चीज़ की कोई भी कमी रह जाए तो जाके कमेंट सेक्शन में लिख देना ठीक है। सी यू गाइस, बाय बाय, लाइक सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।